ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झांसी के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 11वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का शुभारंभ प्रदेश के खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी ने किया। इस चैंपियनशिप में देश भर की 28 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। बता दें कि ये आयोजन 21 से 30 अक्टूबर तक चलेगा। चैंपियनशिप का पहला मुकाबला राजस्थान व अंडमान निकोबार के बीच खेला गया। इस दौरान झांसी ललितपुर से सांसद अनुराग शर्मा, जिलाधिकारी आंध्रा वावसी, मुख्य विकास अधिकारी शैलेश कुमार आदि कई खेल प्रेमी व कई अधिकारी मौजूद रहे। मेजर ध्यानचंद जी की करम भूमि और झांसी जो वीरों की धरती कही जाती है, वीर भूमि कही जाती है, इस झांसी के ग्राउंड पे नेशनल हॉकी महिला चैंपियनशिप का आज यहाँ पे खेल का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें 28 राज्यों से हमारे महिला खिलाड़ी आए हुए हैं और उनकी यहाँ पर प्रतियोगिता हो रही है। ये आज 21 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक झांसी के अंदर चलने वाला है। ये तमाम प्रतिभाएं इसमें से उभर करके आएंगी, जो नेशनल स्तर पर जीत के जाएंगी और जो प्रतिभाएं आएंगी और जो यहाँ से जीतेंगी वो इंटरनेशनल मंच पर जा करके खेलेंगी। और इसलिए झांसी ही नहीं बल्कि बुंदेलखंड के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को और विशेष रूप से महिला और हॉकी और पुरुष के भी खिलाड़ियों को इससे प्रेरणा मिलेगी, इसलिए इस खेल का आयोजन यहीं पर कराया जाए। हर एक मन में धारणा पहले था कि खेलोगे कूदोगे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। ये आज़ादी के 60-65 साल के अंदर स्लोगन था। मोदी जी और योगी जी के आने के बाद ये स्लोगन बदल गया कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। तो हर एक आदमी लाजवाब बनना चाहता है, स्मार्ट बनना चाहता है और खेल जगत से जुड़ना चाहता है। और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी और हमारे केंद्रीय खेल मंत्री जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसदगण से लेकर के सभी जनप्रतिनिधिगण की जिस तरीके से रुचि है, उस हिसाब को देखते हुए मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री होने के नाते कि कल का भविष्य नौजवानों का है, खिलाड़ियों का है और कल खेल जगत में ही सारे लोग अधिक से अधिक लोग रुचि ले रहे हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया कि खेलो इंडिया खेलो, खेलो इंडिया खेलो के तर्ज पे और फिर फिट इंडिया, तो ये रोज झुकाव बढ़ता जा रहा है और खिलाड़ी आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।